Hello students, welcome to this video of Math Magic Standard 3. This is the third part of the video for Chapter 6, Fun with Give and Take. आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन 3 सॉल्व द प्रॉब्लम्स दिया है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है. Hersh had 785 rupees. Out of that, he purchased books costing 348 rupees. What amount is left with his with him now? देखिए भाई, Hersh के पास 785 rupees थे. Hersh had 785 rupees. Purchased books for 348 rupees. भाई एक बात सोचिए, ये 785 रुपीस थे, इसमें से 348 रुपीस की बुक्स परचेस की, तो ये सम्स माइनस का हुआ ना, ये तो माइनस करना पड़ेगा. हाउ मेनी रुपीस विल बी लेफ्ट, कितने बाकी बचेंगे. तो चलो हमें ये माइनस का सम्स करना है यहाँ पर, बराबर. माइनस के हमने बहुत सारे सम्स किए हैं, 5 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बराबर. बोरो करना पड़ेगा, बराबर. ये टेंस की प्लेस पर 8 है, उसको काट कर यहां पर हम 7 लिख देंगे, क्योंकि हमने यहां से 10 बोरो किया, बराबर. इसके पास 8 10 थे, 1 10 लेकर हमने यहां रख दिया, इसके पास अब 7 10 ही बचे. देखिए अब हमारे पास 10 है और ये पहले से 5 तो है ही, 10 और 5 15 होगा, 15 में से 8 को माइनस करना है. फिंगर को ले आओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहां तक होता है. 8 को माइनस करना है, 3 गॉन, 3 गॉन मीन 6, 7 एंड 8, हाउ मेनी रिमेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. लिखो फिर यहां पर 7. अब ये 7 है, 7 में से 4 माइनस करना है. मैंने पहले भी बताया था कि 7 में से 4, 7 में से 3 आपको आना ही चाहिए. 7 में से 4 माइनस करेंगे, 3 बचेगा. 7 में से अगर 3 माइनस करना आया तो 4 बचेगा. चलिए आ ही गया भाई, बोलने की देर थी. 7 माइनस 3, बाकी बचेगा 4. आंसर आ गया हमारा ये. हरेश है, हरेश हैड लेफ्ट विथ 437 रुपीज. हो गया हमारा सम्स. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन 2. मगन भाई प्रोड्यूस 560 किलोग्राम ग्राउंडनट्स. आउट ऑफ दैट ही सोल्ड आउट 375 किलोग्राम ग्राउंडनट. हाउ मेनी केजी ग्राउंडनट्स इज लेफ्ट विथ हिम नाउ. भाई मगन भाई ने 560 केजी ग्राउंडनट प्रोड्यूस की, बराबर. तो हमने लिखा यहां पर प्रोड्यूस ग्राउंडनट, जरा नीचे से लिखते हैं 560, ये रहा. आउट ऑफ दैट ही सोल्ड आउट 375 किलोग्राम, सो 375 किलोग्राम सोल्ड आउट. माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रिमेनिंग ग्राउंडनट. क्या आएगा, रिमेनिंग ग्राउंडनट. चलो 0 में से 5 तो माइनस नहीं हो पाएगा, पर 6 में से 7 वो भी नहीं हो पाएगा. चलो हमें यहां से लेना पड़ेगा, डबल बोरोइंग है यहां पर. देखो 6 को काट लिया, बाकी बचेगा 5. वही ध्यान से देखना, ये रहा 5 लिखा हमने, 10 बोरो कर लिया. अब ये 10 में से 5 इजीली कट हो जाएगा, हो गया 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. मगर ये 5 में से 7 नहीं कट रहा है, तो हम यहां से लेंगे, ये 5 को काट लिया, बाकी यहां पर 4 रहेगा, 500 में से 400. यहां पर बोरो किया तो कितना, 5 10 है, हमने यहां से 100 बोरो किया, 100 का मतलब 10 10, हमें लिखना है 10. ये सब आपको याद रहना चाहिए, आगे सिखाया है सब. अब हमारे पास यहां पर 10 एंड 5 15 है, 15 में से 7 को काटो,
अभी हमने 15 में से 8 को काटा था तो 7 बचा था, अब यहां 15 में से 7 को काटना है तो बचेगा 8। फिंगर पे आप काउंट करके देख सकते हो, बराबर। 4 में से 3 1 रहेगा, 185 आंसर आ गया भाई। मगन भाई के पास अब बाकी बचेगी 185 किलोग्राम ग्राउंड नट्स, यहां पर आंसर अलग से लिखा है, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सब माइनस के क्वेश्चन ही आएंगे यहां पर। क्या है यहां पर देखो, 750 ब्रिक्स वेर ऑर्डर्ड टू बिल्ड अ वॉल, भाई हमें वॉल बनानी थी, 750 ब्रिक्स हमने मंगाए, आउट ऑफ दैट 495 ब्रिक्स वेर यूज्ड, 495 ब्रिक्स ही यूज हुई, हाउ मेनी ब्रिक्स आर लेफ्ट, बाकी कितनी बचेगी, माइनस करो भाई 750 ऑर्डर्ड ब्रिक्स, 750 यूज ब्रिक, यूज ब्रिक्स 495 ऐसे लिखना है भाई, प्रॉब्लम वाले सम्स है ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये माइनस। चलो लेफ्ट ब्रिक्स बाकी कितनी बचेगी, माइनस, यहां पर भी डबल बोरोइंग है, जीरो में से फाइव नहीं कट होगा और ये फाइव में से नाइन नाइन भी नहीं जा रहा है, अब डायरेक्ट फटाफट माइनस, देखो इसको काट लिया, फोर बच जाएगा, टेन को ले लिया यहां पर, 10 माइनस 5 आगे यहां ऊपर किया वैसा ही है, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 9 नहीं हो रहा है ना तो 7 को काटो, यहां 6 बचेगा, 10 को ले लो यहां, 10 और 14 को मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 9, देखो ये पूरा 12 होता है, 13 एंड 14, 14 में से 9 को काट लो, बराबर। कैसे काटोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गॉन, बाकी बचेगा 1 2 3 4 5, लिखो फिर यहां पर 5, 6 में से 4 2 बचेगा, चलो 255 आंसर आया, यहां पर लिख देते हैं आंसर, 255 ब्रिक्स आर लेफ्ट, बाकी बची हुई इतनी ब्रिक्स, क्या करेंगे उसको, रखना पड़ेगा ना भाई, बाकी बची तो क्या करेंगे। चलो अब है फोर क्वेश्चन, देर आर टोटल 735 प्लांट्स ऑफ रोज एंड जास्मीन फ्लावर इन अ गार्डन, भाई गार्डन में रोज और जास्मीन फ्लावर के 735 प्लांट्स है टोटल कुल मिला के, इफ देर आर 486 प्लांट्स ऑफ रोज हाउ मेनी प्लांट्स ऑफ जास्मीन फ्लावर विल बी देयर, भाई गार्डन के अंदर 735 प्लांट्स है सब मिला के, 735, इसमें से रोज के प्लांट 486 है, देखो प्लांट्स ऑफ रोज फ्लावर्स 486, तो जस्मिन के कितने हैं भाई, ये तो जस्मिन और रोज के कुल है टोटल, बराबर, रोज के 486, ये टोटल में से 486 को माइनस करेंगे तो हमें जास्मिन फ्लावर के प्लांट मिल जाएंगे, माइनस करते हैं, डबल माइनस है यहाँ पर, डबल बोरोइंग है, चलो 5 में से 6 नहीं कट होगा, 3 में से 8 नहीं होगा पर हमें तो लेना पड़ेगा, इसको काटो, 2 बचेगा, 10 ले लिया, 15 हुआ, 15 ये रहा 15, देखो मैंने 15 का सेट बना ही लिया, ये 12 और ये 3, 15, 6 को काटना है ना तो ये देखो 3 गया और ये 3 गया, 6 गया, बाकी कितना बचेगा गिनो, 9 बचेगा, 9, अब 2 में से 8 नहीं जा रहा है तो 7 को काटो, यहां 6 बचेगा, 10 ऊपर ले लो, 10 और 2 12, ये रहा 12, 12 में से 8 को निकालना है, 3 4 5 6 7 8, बाकी बचेगा 1 2 3 4, 4 हो गया, 6 में से 4 इजी है ना, ये तो 2 भाई, 249, देर आर 249 प्लांट्स ऑफ जस्मिन फ्लावर, बराबर ना, टोटल प्लांट्स में से रोज प्लांट को माइनस किया तो हमें मिल गया जस्मिन की प्लांट्स,
जैस्मिन के फ्लावर्स देखे हैं क्या? अब देखना पड़ेगा, तो गूगल में सर्च करना। आप सब ऑनलाइन सीख रहे हो ना, तो गूगल में जैस्मिन फ्लावर ऐसे लिखना। चलो, फाइव क्वेश्चन। वीरेंद्र भाई स्पेंट टोटल 800 रुपीज फॉर फार्मिंग। भाई पहले मगन भाई फार्मर थे, अब वीरेंद्र भाई है। 800 रुपीज स्पेंड किया फार्मिंग में। आउट ऑफ डेट द रेंट फॉर ट्रैक्टर वॉज 485 रुपीज। 485 रुपीज तो ट्रैक्टर को दे दिए। हाउ मच वेयर द अदर एक्सपेंसेस? भाई फार्मिंग में टोटल एक्सपेंस 800 हुआ, स्पेंट फॉर फार्मिंग हम लिखते हैं 800, उसमें से 485 रुपीज तो दे दिया ट्रैक्टर वाले को, 485। तो बाकी सब चीजों में कितना खर्चा हुआ होगा? तो भाई 800 में से 485 को माइनस करो। चलो, यहां पर बोरोइंग डबल करनी पड़ेगी। डबल यानी कैसे? देखो, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, तो हम बाजू में 10 वाले के पास से ले सकते हैं, बट 10 वाला भी जीरो लेके बैठा है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो 8 पे जाना पड़ेगा, बराबर ना? चलो, 8 में से जब लेंगे तो वो आपको मैंने सिखाया था कि ये वंस की प्लेस है, टेंस की प्लेस पर से ले सकते हैं डायरेक्ट, पर 10 की प्लेस पर कुछ नहीं है तो 100 की प्लेस पे जाना पड़ेगा। 100 की प्लेस पर से सीधा वंस की प्लेस पर बोरो नहीं कर सकते, बराबर, इसको भी देना पड़ेगा। चलो, 8 को जब काटने हैं तो 800 में से 100 लेना पड़ेगा, 7 बचेगा यहाँ। अब यहां पर लेंगे 100 तो 10 10 होगा ना, 10 टाइम 10, पर अब यहां अगर लेना है तो ये 10 को काटेंगे, 1 इसके पास 10 10 है तो 10 को काटेंगे, 1 10 यहां ले लिया। अब इसके पास कितना बचेगा? 10, इसके पास अब 9 10 ही बचेगा, तो यहां पर 10 को लिख कर 9, 10 को काट कर 9 लिखा, बराबर। मैं यहां अलग से दिखाता हूं, देखो बड़ा 800, ये जीरो को अगर देना है, बोरो करना है, तो 8 को काटा, 7 बचेगा, यहां से डायरेक्ट यहां नहीं ले सकते, तो 700 बचा, 100 लिया। जब 100 10 की प्लेस पे लाते हैं तो 100 में कितने 10 होते हैं? 10 10, तो ये 10 लिखा। अब यहां से यहां लेंगे तो या इसके पास 10 10 है, तो 1 10 हमें चाहिए, तो इसको काटेंगे तो क्या बचेगा? 9। अब जाके यहां पर 10 आ गया। देखो, पहले कुछ भी नहीं था वंस की प्लेस पर, 10 की प्लेस पर भी कुछ नहीं था, पर अब आ गया, बराबर ना? चलो, तो ऐसे मैंने पहले समझाया था, पर अगर आप ये समझ गए हो तो यहां पर ऐसे 10 लिख कर उसको काट के 9 लिख के उसके बाद 10 लेने से ज्यादा अच्छा है डायरेक्ट लिख लो आप, क्योंकि फाइनली 9 ही बचेंगे। तो 8 को काटा, 7 रहा, ये बीच में 10 की प्लेस पर डायरेक्ट 9 लिख दिया, और यहां पर वंस की प्लेस पे 10 लिख दो, बराबर। चलो, अब यहां पर वंस की प्लेस पर 10 है, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 8 को माइनस करना है, मगर किस में से? 10 में से नहीं, 9 में से। 9 माइनस 8 करेंगे तो 1, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3। 315 रुपीज, भाई 315 रुपीज अदर एक्सपेंस हुआ होगा, 315। चलो, सब टाइप के माइनस के सम्स हमने पहले सीख ही लिए हैं, बस ये प्रॉब्लम के फॉर्म में डिस्क्राइब किया, इतना ही डिफरेंट है। क्वेश्चन 6। देयर वेर 409 स्टूडेंट इन ए स्कूल। आउट ऑफ देम 96 स्टूडेंट्स वेंट टू अदर अनदर स्कूल आफ्टर पासिंग आउट इन स्टैंडर्ड 7। भाई 7 में पास होकर 96 स्टूडेंट दूसरी स्कूल में गए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिमेन इन द स्कूल? बाकी कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? चलो, टोटल स्टूडेंट 409, तो लिखो 409।
वेंट टू अनदर स्कूल, स्टूडेंट्स वेंट टू अनदर स्कूल कितने? 96। तो माइनस भाई 96, तो हमें यूनिट के नीचे यूनिट आए ऐसे स्टार्ट करना है। तो 96 में सिक्स वंस की प्लेस है, वंस यानी यूनिट, और 409 में नाइन वंस की प्लेस है। चलो अब माइनस करना है, 9 माइनस 6 करेंगे तो ये रहा 9, 3 एंड 3 कट, 6 हो गया, बाकी बचा 3। अब 0 में से 9 नहीं हो जा रहा है ना, तो बाजू में से कटो, यहाँ 3 बचेगा, 10 ले लिया, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 रहा, 3 माइनस 0, यहाँ कुछ भी नहीं है यानी 0 समझ लेना है, 3 माइनस 0 यानी 3, 313 स्टूडेंट्स बाकी बचेंगे ये स्कूल में, 313। चलो ये 6 सम्स हुए, आगे चलते हैं, पेज को टर्न करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन 7, देर वेर 547 बुक्स इन ए स्कूल लाइब्रेरी। भाई स्कूल की लाइब्रेरी में 547 बुक्स थी। जस्ट बिफोर वैकेशन स्टूडेंट्स बोरोड 219 बुक्स टू रीड। भाई वैकेशन पढ़ने के पहले पहले 219 बुक्स वो जो स्टूडेंट्स थे ना वो रीडिंग के लिए ले गए। हाउ मेनी बुक्स रिमेन इन द लाइब्रेरी ड्यूरिंग वैकेशन? तब वैकेशन में तो स्कूल में स्टूडेंट्स आएंगे नहीं, बुक्स लेके घर गए, तो अब लाइब्रेरी में कितनी बुक बची होगी वैकेशन में? चलो तो यहां पर लिखा है टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी 547, लिखो यहां पर 547, 219 बुक्स बोरोड, सो बुक्स स्टूडेंट्स बोरोड ऐसा लिखा है, 219, 219। तो भाई बाकी कितनी बचेगी? तो माइनस करना पड़ेगा ना, ये रहा माइनस रिमेनिंग बुक्स, बराबर 247 माइनस 219 करना है, आंसर आपको खुद लाना है, बराबर। यहां 4 को कट करके कैरी ओवर बोरोइंग करना है और माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा आपको यहां पर लिख देना है। ब्लैंक बुक्स रिमेन इन लाइब्रेरी, जो भी नंबर आएगा वो यहां लिख देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, होमवर्क तो करेंगे ना, होमवर्क करेंगे तो ही तो सब आएगा। चलो क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में क्या कहा है? देर वेर 703 फ्लावर्स ऑफ रोज इन ए बास्केट। भाई एक बास्केट में 703 रोज फ्लावर्स थे, आउट ऑफ दैट 645 फ्लावर्स ऑफ रोज वेर यूज फॉर मेकिंग गार्लैंड। भाई 645 फ्लावर्स तो यूज कर लिए गार्लैंड बनाने में, हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ रोज विल बी लेफ्ट इन द बास्केट नाउ? अब बास्केट में कितने बचे होंगे? तो चलो लिखते हैं टोटल फ्लावर्स 703, फ्लावर यूज्ड, भाई यूज कर लिए गार्लैंड बनाने में कितने? 645, 645। बाकी कितने बचेंगे? ये देखो यहां पर लिखा है फ्लावर, टोटल फ्लावर, फ्लावर यूज्ड माइनस किया तो फ्लावर्स लेफ्ट। चलो अब यहां पर बोरोइंग करना है, बाजू में नहीं है, आगे जब सीखा है वैसा करना है, 7 को काटना है, 6 लिखना है, सब करना है। देखो 7 को काट लिया तो बाकी 6 बचेगा। अब जब मैंने समझाया था ना कि यहां पर लाने के बाद भी अगर वंस की प्लेस पे बोरो करना है, बराबर, यहां पर पहले 10 लिखेंगे, फिर काट कर 9 लिखेंगे, फिर यहां 10 लिखेंगे, आप समझ चुके हैं, तो अब डायरेक्ट लिख दो, बराबर। जब भी नेबरिंग नंबर के पास नहीं है और उसके भी बाजू में से लाना है तो इसको भी देना तो पड़ेगा ना, तो ऐसे 9 लिखकर 10 वंस की प्लेस पे लिख देना है, बराबर। चलो तो इसके साथ साथ क्या हो गया, एक ही टाइम में इसको भी 9 दे दिया और यहां पर भी 10 ले लिया, बराबर, तो हमारा काम थोड़ा इजी हो गया। चलो अब 10 इन 3 13, ये रहा 12, बराबर, और ये 13, 13 में से 5 को निकालो, 5 निकालना है, काउंट करो, 1 ये 1, 2 3 4 5 गॉन,
कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बचेगा, 8। अब 9 में से 4 मैंने कहा था याद रखना है, 9 माइनस 4 करेंगे तो बाकी बचेगा 5, 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 58 आंसर आया भाई। इसका मतलब है कि 703 फ्लावर्स में से 645 यूज कर लेंगे तो 58, सिर्फ 58 रोज फ्लावर विल बी लेफ्ट इन बास्केट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में। क्या कहा है 9 में? प्रिया नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग ऑफ हर हाउस। भाई इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग नेहा ने, प्रिया ने नोट किया। लास्ट मंथ रीडिंग वॉज 119। भाई पिछले महीने जब रीडिंग किया था तो 119 था, और दिस मंथ अभी का रीडिंग किया तो 294 यूनिट। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड सी यूज इन 1 मंथ? भाई आप भी अपने घर में जाके, वह घर के बाहर एंट्रेंस पे मीटर लगा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, मम्मी या पापा के साथ जाकर मीटर में आज का रीडिंग नोट करना कि आज कौन सा फिगर दिखा रहा है, फिर कल का रीडिंग नोट करना, आज जाना है फिर कल भी जाना है, तो ये नंबर बढ़ेंगे क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम घर में यूज करेंगे मीटर में नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, बराबर। सो कल के फिगर से आज का फिगर, आज के फिगर से आने वाले कल के लिए, मीन्स टुमोरो, बराबर। आने वाले कल में फिगर और बढ़ेगा अगर हमें यूज यूज जानना है, बराबर। तो आज के फिगर में से पिछले दिन का, यानी टुडे, फ्रॉम टुडेज फिगर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट यस्टरडेज फिगर, बराबर। वैसे ही अगर आज का यूज जानना है तो फ्रॉम टुमोरोज फिगर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टुडेज फिगर। तो ऐसे ही ये प्रिया ने मीटर का रीडिंग नोट किया, बराबर। तो पिछले महीने 119 था और इस महीने 294 था, यानी कि एक महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, कितनी इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट यूज हुए, वो मेजर करने के लिए, वो जानने के लिए फ्रॉम 294 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 119, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो 4 में से 9 नहीं कट हो रहा है तो बाजू में से लाओ, 9 में से बोरो करना है, यहां पर 8 10 बचेगा, 10 ले लिया, यहां 10 और 4 14 हुआ, ये रहा 12, 13 एंड 14, 14 में से 9 को निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 बचेगा। 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 रहेगा, आना चाहिए भाई। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 रहेगा। इसका मतलब है कि यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी 175 यूनिट्स है, 175 यूनिट्स। भाई यूनिट्स क्या होता है? जैसे हम वजन, वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम में, मिल्क को मेजर करते हैं लीटर में, तो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं यूनिट्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा है? नेहा हैड 565 रुपीज। भाई नेहा के पास 565 रुपीज थे, आउट ऑफ दैट सी परचेज्ड अ ड्रेस कॉस्टिंग 287 रुपीज। इसमें से 287 रुपीज का ड्रेस ले लिया, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर नाउ? भाई चलो माइनस का सम्स करना है। नेहा के पास 565 रुपीज थे, 565, आउट ऑफ दैट सी परचेज द ड्रेस कॉस्टिंग 287, तो 287 को माइनस करना है, माइनस का सम्स, मनी लेफ्ट जो आंसर आएगा वो बचेगा पैसा इतना। चलो 5 में से 7 नहीं कट होगा, 6 में से बोरो करो, 6 को काट लिया, 5 बच गया। देखो मैंने लिखा है यहाँ 10, 10 प्लस 5 यानी 15, 15 में से 7 कट करेंगे 8 बचेगा, मैंने कहा था याद रखना है, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 बचेगा, 15 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अब भाई ये 5 में से 8 नहीं माइनस होगा,
फाइव को भाई बाजू में जो 100 की प्लेस पर है ना, फाइव काटो, फोर लिखो, 10 ले आओ यहाँ। अब हमारे पास 10 और 5 15 हो गए। अब 15 में से 8 माइनस करना है। अब भी मैंने बोला 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेंगे, 4 में से 2 माइनस होंगे तो 2 बचेंगे। 278 रुपीज आर लेफ्ट विद नेहा नाउ आफ्टर परचेसिंग द ड्रेस। ड्रेस परचेस किया उसके बाद इस 278 रुपीज नेहा के पास बचे हैं। चलिए तो यहां पर हमने 10 प्रॉब्लम्स सब्ट्रैक्शन वाले किए। अब वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, दूसरे वीडियो में आगे नई एक्सरसाइज देखेंगे। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझकर ये क्या लिखना है वो भी समझना है, क्योंकि प्रॉब्लम वाले सम में के नंबर्स के बाद बाजू में उसकी डिटेल लिखनी पड़ती है, आंसर भी लिखना पड़ता है। आप अच्छे से स्टडी करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।